गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों आज हम लोग जीव विज्ञान में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक दोहरा निषेचन या द्वि निषेचन क्या होता है इसको डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन बच्चों दोहरा निषेचन या द्वि निषेचन या इसे हम क्या कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में 14 में पूछा गया है, 15 में पूछा गया है, 16 में पूछा गया है, 17 में पूछा गया है, 19 में पूछा गया है, 18 में भी आया है, 20 में, 21 में, 22 में। तो इस तरीके से देख सकते हैं बच्चों, ऐसा कोई भी साल नहीं है जिसमें ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा ना गया हो। तो दोहरा निषेचन या द्वि निषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन से आप क्या समझते हो? तो बच्चों ये जो दोहरा निषेचन या द्वि निषेचन है ये किसमें मिलता है? आवृतबीजी पौधों, एंजियो स्पर्म में मिलता है। इनके बीज क्या होते हैं? आवृतबीजी पौधों में जो बीज होते हैं वो फलों के अंदर क्या होते हैं? फलों के अंदर सुरक्षित होके पनपते हैं। आवृतबीजी पौधों में यह घटना पाई जाती है। उसमें आवृतबीजी पौधे में कौन सी फैमिली आती है? हमारा एंजियोस्पर्म। इसके अंतर्गत जितने भी पौधे आते हैं वो सभी आवृतबीजी हैं। तो इसमें जो बीज होते हैं फलों के अंदर पनपते हैं। इसके अपोजिट क्या होते हैं? अनावृत बीजी पौधे होते हैं जिसे हम नग्न बीजी पौधे कहते हैं। ये किसमें मिलते हैं? ये जिम्नोस्पर्म की फैमिली में मिलते हैं। इसमें जितने भी पौधे आते हैं वो अनावृत बीजी होते हैं और इनके बीज जो होते हैं फलों के अंदर होने के बजाय खुली टहनियों या शंकुओं में नग्न अवस्था में होते हैं, इसलिए इन्हें अनावृत बीजी या नग्न बीजी पौधे कहते हैं। जबकि आवृत बीजी पौधे में जो बीज होते हैं वो फलों के अंदर सुरक्षित होके पनपते हैं। तो दोहरा निषेचन सबसे पहले किस में पाया जाता है? आवृत बीजी पौधों में पाया जाता है। इसकी खोज पूछता है किसने की थी? तो बच्चों इसकी खोज जो थी डबल फर्टिलाइजेशन या दोहरा निषेचन, इसकी खोज एक नवासीन नामक वैज्ञानिक थे। उन्होंने की थी किसमें? फ्रिटिलेरिया और लिलियम नामक पौधे में की थी। तो इसमें क्या होता है? निषेचन के समय क्या होता है? जो पराग नलिका में भ्रूण उसमें जाकर फट जाती है। तो निषेचन के समय क्या होता है बच्चों? पराग नलिका भ्रूण कोश में जाकर फट जाती है। जब ये फटती है तो दो नर युग्मक स्वतंत्र हो जाते हैं। ये आप देख रहे हैं बच्चों, ये क्या है? ये वर्तिकाग्र है, ये वर्तिकाग्र है, ये स्टाइल है, और ये वाला अंडाशय या ओबेरी वाला पार्ट है, ओबेरी वाला पार्ट है। इसके अंदर क्या होगा? ओबेरी के अंदर मादा युग्मक या फीमेल गैमेट्स बनेंगे, फीमेल गैमेट्स। तो निषेचन के समय क्या होता है? पराग नलिका कहाँ पे? भ्रूण पोष में जाके फटती है। इसके फल स्वरूप क्या होते हैं? दो नर युग्मक स्वतंत्र हो जाते हैं। अब क्या होगा? दो नर युग्मक स्वतंत्र हुए तो एक नर युग्मक कहाँ आता है? मादा युग्मक के पास आ जाता है या फीमेल गैमेट से आके मिलता है। और यहाँ पे या हम कह सकते हैं यहाँ पे आके ये क्या बना लेता है? यहाँ पे आके एक जाइगोट बना लेता है। तो एक नर युग्मक किससे आके मिलता है? मादा युग्मक या फीमेल गैमेट से। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं फ्यूजन। और दूसरा जो नर युग्मक होता है सेकेंडरी न्यूक्लियस ये है, या इसे हम द्वितीयक न्यूक्लियस कहते हैं, इससे आके मिल जाता है। तो ये क्या बना लेता है? चूंकि ये सेकेंडरी न्यूक्लियस से मिल रहा है एक नर युग्मक, तो ये बना लेता है त्रिगुणित केंद्रक। तो इसमें क्या होता है बच्चों? जब निषेचन होता है तो पराग नलिका भ्रूण कोश में जाके फटती है।
दो नर युग्मक स्वतंत्र होते हैं, अभी हमने बताया एक नर युग्मक जो है अंड कोशा से संयोजन करके एक युग्मनस बना लेता है जिसे हम सत्य निषेचन या संयुग्मन कहते हैं। मान लो ये मेल गैमिट्स है, एक मेल गैमिट्स किससे आके मिला, फीमेल गैमिट से आके मिल जाता है और यहाँ पे ये क्या बना लेता है, जाइगोट, जाइगोट जिसे 2N हम कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, सत्य निषेचन या संयुग्मन या इसे हम फ्यूजन कहते हैं। ये क्या होता है, द्विगुणित होता, अभी हमने बताया ये एक एन होता है, मेल गैमिट्स और फीमेल गैमिट्स भी एक एन होती है, जब इन दोनों का फ्यूजन हो जाता है तो ये 2N बन जाता है। सो बाद में क्या करता है, भ्रूण या एम्ब्रियो का निर्माण करता है, जाइगोट से क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है। और जो दूसरा नर युग्मक होता है वो किससे मिलता है, द्वितीयक केंद्रक से मिलता है, ये सेंटर में क्या है, द्वितीयक केंद्रक इससे मिलता है तो ये त्रिगुणित केंद्रक बना लेता है जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम प्राइमरी भ्रूण पोष केंद्रक कहते हैं। तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, इस क्रिया को बच्चों हम त्रिसमेकन कहते हैं। तो इस प्रकार दोनों ही युग्मक जो दो नर युग्मक स्वतंत्र हो रहे थे, दोनों ही निषेचन में भाग ले रहे थे, मतलब निषेचन दो बार हो रहा है, एक बार ये नर युग्मक किससे मिल रहा है, फीमेल गैमेट से या अंडकोशा से, तो वहां पे वो जाइगोट बना रहा है जिसे हम सत्य निषेचन कहते हैं। और दूसरा निषेचन कैसे हो रहा है, जो दूसरा नर युग्मक होता है वो द्वितीयक केंद्रक के साथ मिलकर त्रिगुणित केंद्रक बना ले रहा है जिसे हम प्राइमरी भ्रूणपोष केंद्रक कहते हैं। इसलिए इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि इसमें फर्टिलाइजेशन दो बार हो रहा है और इसमें दो नर युग्मक भाग ले रहे हैं। तो बच्चों इस तरीके से द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन में क्या होता है, संयुग्मन और त्रिसमेकन दोनों आते हैं। बाकी निषेचन के बाद जो सहायक कोशिकाएं होती हैं या प्रतिमुख कोशिकाएं, ये सब नष्ट हो जाती हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये कोशिकाएं, ये नीचे की बची कोशिकाएं, ये सब क्या होती हैं, ये सब नष्ट हो जाती हैं, ये सब नष्ट हो जाती हैं निषेचन के बाद, इधर वाली एक नष्ट हो जाती है। तो इसमें क्या होता है, इसमें संयुग्मन और त्रिसमेकन दोनों आते हैं और निषेचन के बाद सहायक कोशिकाएं और प्रतिमुख कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। अब हम पढ़ेंगे बच्चों वायु परागण, मतलब जो परागण होता है, अभी हमने बताया था परागण किसे कहते हैं, तो हमने बताया था कि पराग कोष में जो परागकण बनते हैं उनको मादा पुष्प के भर्तिकाग्र पर पहुंचने की जो घटना होती है उसे हम परागण या हम उसे पॉलिनेशन कहते हैं। तो अगर ये जो पराग कण है वो मादा पुष्प के वर्तिकाग्र पर किसके द्वारा पहुंच रहे हैं, वायु के द्वारा, तो इसे ही हम क्या कह देंगे बच्चों, वायु परागण कह देंगे। अगर वो किसी एनिमल के द्वारा पहुंचेंगे मादा पुष्प के वर्तिकाग्र पर तो हम उसे क्या कह देंगे, एनिमल परागण कह देंगे। तो वायु परागण, ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में 16 में, 17 में, 18 में, 19 में पूछा गया है। तो जो पराग कोष में बने पराग कण हैं उनको वायु के द्वारा मादा पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की जो घटना होती है उसे हम वायु परागण कहते हैं। और जिन पुष्पों में ये वायु परागण की घटना होती है उन्हें वायु परागित पुष्प कहते हैं। तो वायु परागण होने के लिए बच्चों पुष्पों में क्या होनी चाहिए, कुछ विशेषताएं होनी चाहिए, क्योंकि वायु के द्वारा जो पुष्प होंगे उनको कहाँ जाना है, मादा पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाना है।
तो ऐसे पुष्प कैसे होने चाहिए? हल्के होने चाहिए, छोटे होने चाहिए, क्योंकि अगर वो हल्के होंगे तभी वो हवा के द्वारा उड़ के वहां पे जा पाएंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं इसमें कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए। ऐसे जो पुष्प होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, आकर्षण रहित होते हैं, जबकि अगर यहीं पर एनिमल परागण होता तो इसमें आकर्षण भी होता और इसमें महक भी होती। यहाँ जैसे लिखा गंधहीन, तो जो एनिमल के द्वारा परागण होता है वे पौधे गंधहीन नहीं होते हैं, वे अत्यधिक आकर्षण युक्त होते हैं, जबकि वायु परागित पुष्प छोटे होते हैं, आकर्षण रहित होते हैं, ये रंगहीन, गंधहीन, मकरंदहीन होते हैं। और वायु परागित पुष्प क्या होते हैं? पराया एकलिंगी होते हैं। अभी हमने बताया था कि जो पर परागण की घटना होती है वो यूनिसेक्सुअल प्लांट में होती है, तो वायु परागित पुष्प ज्यादातर एकलिंगी होते हैं और ये पत्तियों के ऊपर के भाग से निकलते हैं और इसमें नर पुष्पों की अधिकता होती है। क्योंकि अधिकता इसलिए होनी चाहिए बच्चों, क्योंकि ये हवा के झोंकों के साथ जाते हैं, तो अधिकतर जो होते हैं परागकण इधर उधर गिर के नष्ट हो जाते हैं। तो जो ये वायु परागित पुष्प होते हैं उसमें नर पुष्पों की अधिकता होती है। परागकण कैसे होते हैं इसके? बहुत छोटे होते हैं, बहुत शुष्क होते हैं, बहुत ही हल्के होते हैं, जिससे वे वायु में आसानी से इधर उधर उड़ के जा सकें। और जो वायु परागण करने वाले पुष्प होते हैं उसमें जो पुष्प होते हैं उसमें परागकण बहुत प्रचुर मात्रा में उत्पन्न होते हैं, क्योंकि वायु के झोंकों के साथ अधिकांश परागकण इधर उधर गिर के नष्ट हो जाते हैं। तो अगर परागण किसके द्वारा हो रहा है? वायु के द्वारा। मादा पुष्प के वर्तिकाग्र पर परागकण पहुंच रहे हैं तो उसे हम वायु परागण कहते हैं, और जिन पुष्पों में ये परागण होता है उन्हें वायु परागित पुष्प कहते हैं। ऐसे पुष्प बहुत छोटे होते हैं, आकर्षण रहित होते हैं, ये रंगहीन भी होते हैं, गंधहीन भी होते हैं, और इनके परागकण जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं, सूखे से होते हैं, बहुत हल्के होते हैं, जिससे वे वायु में आसानी से उधर उधर उड़ सके। तो बच्चों, आप लोगों ने दोहरा निषेचन भी देखा। दोहरा निषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन, इसमें दो फर्टिलाइजेशन होता है। एक नर युग्मक किससे संयोजन करता है? अंडकोशा से संयोजन करके युग्मनज या जाइगोट बनाता है। दूसरा नर युग्मक किससे? द्वितीयक केंद्रक के साथ मिलकर त्रिगुणित केंद्रक बनाता है, अर्थात इसमें दो बार निषेचन होता है। इसकी खोज की थी नवासिन नामक वैज्ञानिक ने फ्रिटिलेरिया और लीलियम नामक पौधे में। तो बच्चों, यदि आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप उसे हमें कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। धन्यवाद।